हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा, रियोटो गुस्से में कहता है कि मैं ही हूँ सीरा का बॉयफ्रेंड, जो सुनके सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो अब आगे ये सुनने के बाद सब लोग को यकीन नहीं होता। तभी सीरा कहती है कि हाँ, ये सारी बातें जानने के बाद सीरा के बारे में जो जो रूमर फैले हुए थे वो सब झूठ निकलते हैं। सब लोगों को यकीन हो जाता है कि सीरा एक अच्छी लड़की है, और उसे कहता है कि ये सारे रूमर फैलाने वाले तुम ही हो। मारिया कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सीरा मुझसे अच्छी बने। सीरा और मैं जुड़वा फैन है, जो सुनने के बाद रियोटो सरप्राइज हो जाता है। भले ही हम एक जैसे नहीं दिखते, हमारे पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद मैं अपने माँ के साथ चली गई थी और रूना अपने डैड के साथ रहने लगी थी। उसके बाद माँ ने दूसरी शादी करी, मगर उनका फिर से डिवोर्स हो गया। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने लगी। रूना बचपन से सबकी लाडली थी और सब उसे प्यार करते थे। दूसरी तरफ मैं ढंग से बात किया भी नहीं करती थी और हमेशा मुझे घर को छोड़ के जाना पड़ा और अपने डैड से दूर हो गई। बार बार मेरे स्कूल से ट्रांसफर हो जाती और तब तक मैं समझ गई थी कि जब तक मैं सीरा जैसे खुश नहीं बन जाती, तब तक मैं खुशियाँ हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश किया, मगर हमेशा मैं सीरा से हार जाती। मैं चाहती हूँ कि सभी सीरा के जैसे मुझे भी प्यार दे। ये बात सुनके तुम मुझे गलत मान रहे होगे। रियोटो कहता है कि मैं भी तुम्हारी बात को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट लड़का हूँ जो ढंग से खुद के फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं भी सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे फीलिंग को समझता हूँ। ये सुनने के बाद मीरा कहती है कि तुम मुझे कम्फर्ट देने की ट्राई मत करो। जो बोल के वो नीचे जा रही थी, मगर तभी वो गिर जाती है। मगर ये तो उसे बचा लेता है, जिसे मायरा शर्माने लग जाती है और बोलती है कि ये काफी बुरी बात है। उसके बाद जब रियोटो क्लास में जा रहा था तो उसके सामने सीरा आ जाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। मगर तभी उसके सामने निकोला आ जाती है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। निकोला उसे ये सब करने के लिए शुक्रिया कह के अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। अगले सीन में रियोटो और सीरा एक साथ घर जा रहे थे। तभी सीरा उसे पूछती है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को सबको क्यों बताया, तुमने ही तो इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। रियोटो कहता है कि तुम्हारे बारे में बहुत ही गंदे गंदे रूमर फैले हुए थे, जिस वजह से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने सब लोगों को सच बता दिया। जो सुन के सीरा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये सब तुमने मेरे लिए किया, मुझे लगता है कि वो रूमर मारिया फैला रही है। मैं मारिया के बारे में तुम्हें बताने वाली थी, तुम्हें भी तो मुझे डेट करने से पहले इन सब रूमर के बारे में पता था, मगर फिर भी तुमने मुझे डेट क्यों किया। रियोटो कहता है कि वो तुम्हारा पास्ट है, मगर मैं तुम्हें प्रेजेंट में पसंद करता हूँ। जो सुनने के बाद सीरा बिल्कुल खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मारिया अभी भी सीढ़ी में बैठी हुई थी और सोचती है कि आखिर मुझे क्या हुआ है, कहीं मुझे रियोटो से प्यार तो नहीं हो गया, वो सीरा का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन स्कूल में सीरा और रियोटो एक जगह बैठे हुए थे। सीरा उसे कहती है कि तुमने मेरे बर्थडे पे बहुत कुछ किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। रियोटो बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा खास नहीं करता। जो सुनके सीरा कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या करते हो। रियोटो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कभी कभी गेमिंग लाइव स्ट्रीम देखता रहता हूँ, और उसे भी आईसो स्पीड का लाइव स्ट्रीम दिखाता है। वीडियो देखते देखते वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। रियोटो सोचता है कि सीरा मुझे और ज्यादा पसंद करने लगी है। जब रियोटो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था, तब उसके दोस्त उसे आइडिया देते हैं कि उसे सीरा को किस कर लेना चाहिए। रियोटो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या तुम लोग मुझे सिखा सकते हो। जो सुनने के बाद वो दोनों बिल्कुल जेलस हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी वो सिंगल थे। इसके बाद वो तीनों मिलकर इस मिशन को स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में रियोटो सीरा को डेट करने के लिए पूछता है, जो सुनकर सीरा खुश होते हुए हाँ कर देती है। क्लास में रियोटो सोचता है कि मैंने और अपने दोस्तों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, जब हम डेट के लिए पार्क में जाएंगे तो बोटिंग करेंगे, जब सीरा बोट पर जाकर गिरने वाली होगी तभी मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा और उसे किस कर लूंगा। ये सपने वो क्लास में देख रहा होता है, तभी उसके क्लास टीचर उसे सवाल पूछती है, जो सवाल रियोटो को बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन तभी मारिया उसे आंसर बता देती है, जिसे वो मुर्गा बनने से बच जाता है। इसके बाद मारिया धीरे से बोलती है कि तुम मुझे हेट मत करना, जो सुनने के बाद मारिया खुश हो जाती है। अगले सीन में रियोटो सीरा को लेकर डेट पर आ जाता है। रियोटो कहता है कि हम लोग पहले बोट ट्राई करने वाले हैं, मगर सीरा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लंच तैयार करके लाई हूँ। रियोटो उसके बनाए हुए लंच को खाकर बोलता है कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। अगले पल वो दोनों बोटिंग करने के लिए चले जाते हैं। सीरा बोट पर जाने लगती है तो वो गिरने ही लगती है। रियोटो उसको पकड़ने ही वाला होता है, मगर वो ठीक ठाक बोट पे चढ़ जाती है, जिस वजह से रियोटो का प्लान फेल हो जाता है। रियोटो सोचता है कि जब हम उतरने वाले होंगे तो मैं इस प्लान को फिर से ट्राई करना चाहूंगा, मगर उन लोगों के उतरने के बाद भी वो फेल हो जाता है। उसके बाद सीरा पार्क में बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है, मगर रियोटो बिल्कुल दुखी था। सीरा उसे ऐसे देखकर कहती है कि तुम ऐसे उदास क्यों हो, क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है तो डायरेक्ट मुझसे कह सकता है, या फिर क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। ये सुनके रियोटो कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला, मैं तो बस और बातें सोच रहा था। वो उसे सच बताने वाला होता है, मगर वो कह नहीं पाता और उसे कहता है कि मुझे फिर से बोटिंग करनी है। जो सुनके सीरा भी फिर से बोटिंग करने के लिए मान जाती है, मगर इस बार जब वो लोग बोट पर चढ़ रहे थे तो पहले रियोटो बोट पर चढ़ता है और सीरा को बोट पर आने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसकी मदद करता है। बोटिंग करते वक्त रियोटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने सीरा का हाथ पकड़ा था। सीरा भी कहती है कि तुमने इस बोट को चूज करके बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, काफी टाइम से मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के चलना चाहती थी, शायद तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा, मैंने तुम्हारे क्लोज आने की भी कोशिश की थी। रियोटो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सीरा उसके पास चली जाती है और उसे किस कर लेती है। इसी तरह इन दोनों का पहला किस हो जाता है, जिस दौरान वो दोनों काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। सीरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे और क्लोज आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ, सच बोलूं तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अगले पल वो दोनों बोट से उतर जाते हैं। जाते हुए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। अगले
सेशन में हमारी को देखते हैं जो अभी भी किताब पढ़ रही थी, मगर उसका ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो बार बार रियोतो के बारे में सोच रही थी और कहती है कि लगता है कि मुझे रियोतो से प्यार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सीरा की तरह पसंद करे, जिस वजह से मुझे अब सीरा की तरह बनना पड़ेगा। सीरा, इस बार तुम मुझसे बचकर रहना, ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।